इंसान को पता ही नहीं हो चाहिए क्या इंसान इसलिए तो मैं कहता हूं इंसान से बड़ा चूतिया कोई नहीं है क्योंकि उसे पता ही नहीं है यू strong and एंड huge बेट कि 0 टू 100 के इन

दस लोगों के हंड्रेड के फॉलोअ नहीं हो रहे और कितने, मतलब मेरा है, कितने लोगों के फॉलोअर्स नहीं रीच करते हैं यार, 100K. 10K well. 1K well. यार, लोगों की दो सौ फॉलोअर्स उड़ गए बहुत खुश है कह रहे हम हजार हो गए मैं बहुत खुश हूँ मेट सच पीपल एंड पीपल आर लवली इन दैट सेंस प्लस दिस प्रोग्राम हजार रुपए का डायरेक्ट कोर्स होता था अभी विफ स्टॉप दिस ये ना गारंटी एक्जिस्ट कर रही है अभी ना ये कोर्स एग्जिस्ट कर रहा है अल्टेला uh, okay. पहले हज़ार रुपये का कोर्स था जो हमने तीन महीने पहले लॉन्च किया और इसमें था स्टेट ऑफ आपको पूरा कोर्स मिलेगा आपको कम्युनिटी मिलेगी आप ग्रो करो साथ में मेजारिटी पीपल डू नॉट ग्रो डू हंड्रेड्रेड्रेड्रेड के ऑफकोर्स अगर होता तो आज तक अभी मेरे पास दस हजार क्रिएटर होता है हंड्रेड के वाले में इंडिया का सबसे बड़ा इन्फ्लेंसर बन चुका होता बट द पॉइंट वॉज अभी तक हमने सिर्फ पाँच से सात लोगों को रिफंड दिया होगा चार हजार में से और वो भी वो रिफंड डिजर्व नहीं करता था हमने दिया मैंने डिजर्व नहीं करते थे पोस्ट स्टिल गिव कुछ कुछ कह रहे थे परेशान नहीं, नहीं, नहीं लेना, नहीं लेना। system, realize, you, you back, कि हमने बहुत कुछ सीखा और हमारी तरफ से चीजें रह गई बिकॉज hmm. उनको दिख रहा है की और लोगों को भी ग्रो हो रहे हैं तो अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो मेरी कुछ कमी hmm. तो hmm. hmm. है तो एवरी वन विद्रोइंगी नाइन रुपीज ठीक है अब

एक्जिस्ट करते थे उनको तोड़ना था और हमें भी चीजें सीखनी थी इट्स वेरी इज आई डन इट नाउ आई नीड मोर के प्राइस लो गेट इनफ पीपल इन टेस्ट विद डिस वर्क और नॉट ऐसा ना हो कि यार मैंने प्राइस बहुत ज्यादा ले लिया बिकॉज द मोर प्राइज यू चार्ज द मोर रिस्पांसिबिलिटी बट डोंट यू थिंक द क्वालिटी ऑफ पीपल वी बेटर एंडल इंटरस्टेटली कम आप तीन सौ रुपए की वर्कशॉप देते हैं हम बेसिक सिखाते हैं उसके बाद हम कहते हैं तीन सौ रुपए की वर्कशॉप uh, uh, हमने ऐसे बनाई कि मुझसे अगर आप रैडमली पूछोगे ना कि शिवान अच्छे दोस्त है प्लीज टेलमी की मैं इंस्टाग्राम कैसे करूँ मेरा फैमिली मेंबर को पूछेगा क्या करूंगा वो जो चीज है मैं बताता था वो हमने इसमें बता दिया वर्कशॉप में बताते हैं उसके बाद हम क्लियर बोलते हैं कि अगर आप खुद से कर सकते बेस्ट है

एंड देन देर आर डिफरेंट प्रोडक्ट देर वी बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ इज दें वी हैव दिस थिंग कॉल क्रिएटर्स माफिया विच इजमोस्ट आर्ट सेवेंटी फाइव के एयर फॉर थ्री मंथ्स क्योंकि इसके बाद वो रहता है कि स्टिल यार मेरे को ना पर्सनल गाइडेंस सही है कि आप मेरे साथ बैठो मेरी प्रोफाइल पर कामो मेरी प्रोफाइल रिव्यू करो सो वी क्रिएटेड इन अदर कि अगर आप ज़्यादा पैसे देखे हमारी और पर्सनलाइजेशन चाहते हो mm. ज्ञान उतना ही है बहुत सिंपल मैं कहता हूँ मैंने यूट्यूब से सीखा आप फ्री में भी कर सकते हो

लेट्स से एक पंद्रह मिनट की कॉल एक इंसान को तीस हजार से नौ लाख पे लेके जा सकती है तीस दिन में hmm. तो वो मेरे टाइम की वैल्यू है आई वॉज एक्चुअली वॉचिंग मिस्टर बीस का एक इंटरव्यू इन विच ही सेट की समटाइम्स वेन आई गो गोन वॉर्स ना मैं एक कॉल किसी भी बंदे के साथ आई हैव अ कॉल विद अ क्रिएटर और उससे आई एल जस्ट थ्रो इन माई आइडियाज टू देम टू एक्सपेरिमेंट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट दैट और उससे उनकी ग्रोथ होती है सो आई आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये चीज वर्क कर रही है

जर्नी बिकम्स वेरी डिफरेंट फ्राम अगर मैं लोगों को ग्रो hmm. is इन नेक्स्ट followers for इज people. बीस मिलियन फॉलोअर्स हमारे ग्रो करने वाले हमारे लोगों के तो इमेजिन वो मैं अकेले कर ही नहीं सकता था ना यार क्या करोगे उसके लिए आप

अब उसके बाद अब आप किसी को एक तो कॉपी नहीं कर सकते अब आपको खुद का इंडिविजुअलिटी लेके आना है आपको कम्युनिटी से एंगेज करना है काफ़ी सारे सॉल्व मेटर आपकी मेहनत काफ़ी लगती है ठीक है और आपको नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी है तो आप वो सब चीज़ें करते हुए मिलियन तक पहुंच गए अब मिलियन टू टेन मिलियन इज़ अ होल्ड टुगेर डिफरेंट गेम नाउ यू हैव टू बी वन अभी तक क्या था क्राउड में भी एक हो इतने लोग आ गए थे आपके पास अब टू गेट मोर पीपल टू गेट अदर फॉलोअर्स टू से कि यार ये मेरे को फॉलो करो आपको यूनिक बनना पड़ेगा

धीरे धीरे ग्रोथ आएगी आपने एक इंस्टाग्राम पर कॉन्टेंट बनाए वैसे ही फट रही थी आपने शुरू किया तीस चालीस साठ रील डाल दी सौ रील डाल दी सिर्फ हजार फॉलोअर्स आए हैं दूसरा ऑप्शन है आपने तीस रील डाली है साठ रील डाली है हंड्रेड के फॉलोअर्स आ गए हैं आपको ब्रांड डील मिल गया अभी तक आपके पास पैसा भी नहीं था आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर परेशान थे आपके पास एक लाख रुपये आ गया दो लाख रुपये आ गया अब आप यहाँ पर ब्रांड के बारे में सोचना चाहोगे या हज़ार फॉलोअर्स पर ब्रांड के बारे में सोचना चाहोगे क्योंकि ये जर्नी

मैं आज मेरे पास जीरो रुपीज़ और मैं सोचू मैं मिलीनियर कल कैसे बन जाऊंगा hmm. वो पॉसिबल नहीं है मेरे को पहले हंड्रेड्रेड्रेड्रेड के बनाने पड़ेंगे फाइव हंड्रेड्रेड्रेड्रेड के बनाने पड़ेंगे फिर मिलियन जाऊँगा hmm. मैं कह रहा हूँ आपने फॉलोअर्स गेन कर लिए एक स्टेप हो गया अब ब्रांड के बारे में सोचते hmm. हैं कि अब इन लोगों को नर्चर कैसे करें आपने टॉप फनल भर दिया अब आप, आप नर्चर करो ना इनको सो लेट्स से हम अपने इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुसर दैट इज वाई इन द पिक्चर राइट कि हमें जैसे कोई दिखता है इंसान ग्रो कर रहा है फाइव फिफ्टी के हंड्रेड के फाइव हंड्रेड के विज इट विद दम हमारी याशिका हु इज द फर्स्ट सुपर स्टार इन और बैच

What What do you you. mean mean by that? that does nurturing mean? Nurturing here? Mean first, those people have to see you. The biggest difference between Amitabh Bachchan and me is अमिता स्टोरी जानते हैं मेरे को समझते हैं रोज मैं क्या कर रहा हूँ रोजमर्रा की जिंदगी में वो देखते हैं उससे वो रिलेट करते हैं आप बिग kyu क्यों देखते हो आप सासबोक की सीरियल क्यों देखते हो लोगों की जिंदगी में खुद इतनी interesting चीजें नहीं है तो वो दूसरे लोगों में अपने आप को ढूंढते हैं कि मेरी लाइफ में मैं ये जो नहीं कर पा रहा हूँ इसको देख के मेरे को लग रहा है काश में ऐसा होता या मैं ये कर सकता हूँ दिस कि यू गेट टू नो हु आई रियली एम सेकंड यू स्टार्ट होस्टिंग कम्युनिटी मीटअप्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टू एंगेज विद पीपल टू ऐड रियल वैल्यू की आप मेरी एक टिप्स सुन के आ गए थे अब उस पर आपके डिटेल्ड क्वेश्चन है कि मैं फाइनेंस में ये चीज कैसे करूं मैं फिटनेस में अपने लिए ये कैसे करूँ स्पेंड टाइम विद योर पीपल मेक दम योर लॉयल फॉलोअर्स नाउ योर आई बॉल सो वट आई एम सिंपली इज दैट आप कह रहे हो कि यार मैं एक एक बंदा बहुत क्वालिटी पकड़ के ला रहा हूं मैं कह रहा हूँ मैंने आपको एक ट्रक्टर बताई सो लोग आपके आगे जनता ही इकट्ठा कर दी आई नाउ आई बॉल्स आर ऑन यू नाउ वॉट डू यू डू मैटर्स

Your, uh, जो पर्सपेक्टिव होता है ऑडियंस का वो चेंज होता है आपके साथ वो ज्यादा स्पेंड करते हैं बिकॉज थर्टी सेकेंड थर्टी सेकेंड टू थर्टी मिनट्स वो बहुत डिफरेंस आता है राइट yes. right, तो एक वो भी एक स्टेप होता है लॉयल करने का लॉयल बनाने का ऑडियंस को सो डू यू हैव दैट पीपल इन दैट प्रोसेस एज वेल क्योंकि अभी आपको इंस्टाग्राम का तो गेम पता है बट फॉर यूट्यूब बिकॉज लॉयल फॉलोइंग उससे बनती है तो वॉट्स योर थॉट ऑन दैट आई हंड्रेड परसेंट रेजोलेट विद भाई इंस्टाग्राम कोई भी कर सकता है मतलब इंस्टाग्राम इज द इजिएस्ट डू इज़ दट वी डिड दिस विद पीपल कि ये पहले कर लो अब आगे गेम प्लान से वन ऑफ आई फ्रेंड्स मिस्टर लूकर्स सत्रह वीडियोज में एक मिलियन सब्सक्राइबर्स सेवन मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब दस लाइक बिकॉज आई एम नॉट एन यूट्यूब एक्सपर्ट मेरे को पता सब कुछ है हमने इतना यूट्यूब खेला है बट वी डोट हैव नंबर्स टू सपोर्ट दैट तो मेरे को किसी और के साथ काम करना पड़ेगा टू एक्चुअली हेल्प पीपल अचीव दैट सो नाउ वीर फिगरिंग दैट आउट एंड वी ट्राइ टू मेक शोर की वी कैन ब्रिंग इन मोर एक्सपर्ट यू कैन बिल्ड दिस फॉर अदर की वो लोग यूट्यूब पर भी ग्रो कर सके इीशियल hmm. अब लेट से यार हो सकता है कि आपने कहा मुझे लॉयल ऑडियंस बनानी नहीं है मुझे बस आ, पैसा बनाना था मेरे को एक इनकम सिम बनानी थी मेरी वो बन गई है या फिर आप कह सकते हो कि यार मेरे को बस अपना प्रोडक्ट मूव करना था मूव करने के लिए मेरे पास हंड के ही जता है मैं इन्हीं पर खेलता रहूंगा एवरी वन गोल कु डिफरेंट बट हंड्रेड परसेंट यूट्यूब एक बहुत सिंपल सीजन है ना, आप मेरे को तीस सेकंड देख रहे हो और आप मेरे को तीस मिनट देख रहे हो तीस मिनट में मेरी असली नॉलेज बदलती है

बट मैंने कहा लॉन्ग फॉर्म में सब्सटेंस चलेगा तो पहले अक्यूमुलेट करो ना वो नॉलेज यू कैन अक्यूमुलेट नॉलेज ऐसा नहीं है कि मेरे को बचपन से ही डिग्री होनी चाहिए मेरे पास मैं आज भी तो सीख सकता हूँ मैंने इंस्टाग्राम में को किसी ने सिखाया थोड़ी मैंने खुद सीख लिया देर एन ऑन्टरप्रीन और एन इन्वेस्टर एवरीथिंग आई लॉन्ट माई सेल्फ नॉलेज एंड नाउ आई डिप्लॉय दैट दट वाई आस पीपल I've seen your content also on your personal account. ठीक है, you talk about a variation of things. ठीक yeah. है, इस पे भी बात कर रहे हैं, इस पे भी बात कर रहे हैं, इस पे भी बात कर रहे हैं. तो don't you think for people Like you the kind of content you create and people who are getting into uh, Instagram or creating itna variation of content content don't you think it gets confusing for people aisa aisa hota hai यार मेरा देखो हर किसी का objective अलग होता है मेरा objective बहुत simple था I didn't have a bad boy in my life I come from West Delhi मेरी ज़िंदगी में सिर्फ लड़कियां लड़ाई नशा L N formula चलता था पूरी school life आई एव सीन दोजेड जहाँ पे अभी आप मुझे लड़ाई कर लो मैं सौ बंदे बार खड़े कर दूंगा जो हाथ में चाकू लेके आए मारने के लिए mm -hmm. बिल्कुल टिपिकल स्ट्रीट वॉर्स गेटो लाइफ मैं वहाँ से जब घुसा सो समथिंग इन फैमिली एंड 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 वी डेंट हैव मनी लाइक दैट हैड टू बिल्ड सेल्फ सारा कम्फर्ट खत्म हो चुका था जिंदगी से ट्वेल्थ क्लास की बात आई है अब कोई सिखाने वाला ही नहीं है भाई मेरे को आई ए एस एज अ करियर ऑप्शन थर्ड ईयर में पता चला है आई ए एस कुछ चीज़ होती है मैं जो ये नहीं पता मुझे कोई बताने वाले नहीं कोई हाथ पकड़ने वाले नहीं कोई बता नहीं ऐसा कर लो वैसा कर लो उसमें यू वॉच एनी ये सब कुछ भी नहीं फोन वगैरह यार मैं तब क्योंकि एक तो पाँच सात साल पहले यूट्यूब इतना प्रेलिवेंट नहीं था हाँ। मैं चीज़ें कंज्यूम कर रहा था मैं इधर उधर भाग रहा था भाई मैंने बहुत भाग करी है मतलब आई कैन बेट जितने लोग ये देख रहे हैं उसमें से एक परसेंट लोगों ने उतनी मेहनत नहीं करी होगी भाई मैं गुड़गांव में आता था दिल्ली से चार मेट्रो बदल के सुबह सात बजे निकलता था अपने घर से नौ बजे ऑफिस पहुंचता था रात को साढ़े नौ दस बजे ऑफिस से निकल के बारह बजे घर पहुंचता था और मैं रास्ते में मेट्रो में

मैंने ये चीजें देखी हैं एक राह चुनके मैं यहाँ तक पहुंचा अगर तुम कहते हो सिवन जो तुमने पढ़ा है वो सब बेकार है मैं कुछ और करके ग्रो करूंगा प्लीज डू इट मेरे को भी बताओ मेरे लोगों से कहो मेरे सेशन आके खुल्ला बोलो कि भाई तुम्हारा ये चीज काम नहीं कर रही या मैंने कुछ और कर लिया मेरे को भगवान क्यों बना रहे हो भाई कौन हूं मैं पंचू मैं तो बैठ के क्या छत्तीस बार तो अभी गाली ही दे देती तो मेरे को क्यों आइडलाइज कर रहे हो समन वो अचीव समथिंग तो मेरी बेस्ट चीजें उठा लो जो जो कर सकते हो दुनिया की बेस्ट आपको आदत ही होनी चाहिए दस लोग पकड़े उनकी बेस्ट चीजें उठाई खराब चीज़ें उठानी है जिसमें कि कि सत्तर अस्सी हजार फॉलोअर तो हो गए बट पैसे नहीं आ रहे है बिगेस्ट इश्यूज कि हाउ डू यू फ्रॉम पर्सपेक्टिव मोनिटाइज योर कंटेंट ठीक है स्पेशली विद कॉमेडी क्रिएटर्स वो बहुत मुश्किल हो जाता है

तुम अपनी कम्युनिटी पर नर्चर करके कुछ प्रोडक्ट बेचने लायक उनको बनानी पड़ेगी वो तुम्हारे लिए बिली कर भैया ने ये निकाल दिया तो मैं ले लूंगा हाँ। तुम ब्रांड को आउटरीच भी नहीं करोगे तुम लोगों से जाके मिलोगे भी नहीं एजेंसी से दोस्ती नहीं बनाओगे तो बैठे बैठे घंटा कोई पैसा देख जाएगा हमारी कम्युनिटी में दस दस हजार फॉलोर पर पांच पांच हजार फॉलोर पर पैस बना रहे हैं मेरे पास दिन रात लोगों के मैसेज आते हैं यार हमें एक फेस चाहिए अपने ब्रांड के लिए जो बस हमारे लिए कॉन्टेंट बना दे साइबर टाइप जोमेटो में हाँ और नहीं तो तुम जाओ और फ्री में काम करो ना लोगों की भर्ती इतनी है अब साले सबसे पहला काम फ्री में कर दो ना

सौ के फॉलोअर्स हैं उसके अभी शायद दो सौ के बार हैं, है। सौ डेढ़ सौ के बहुत टाइम तक दो तीन चार साल मतलब बहुत दिखा जाऊंगा चार टी शर्ट बेचने की गारंटी कर रहा हूँ हंड्रेड के फॉलोअर्स ये बंदा सौ डेढ़ सौ के पे पांच पांच हजार मर्च सोल्ड आउट लॉयल फॉलोअर्स आपने जो हमने बात करी स्टार्टिंग में आपका वो चार साल में हंड्रेड के बनाया वो लोग रोज देख रहे हैं आपको आइडलाइज कर चुके हैं मान चुके हैं आप ही हो सही आप गलत हमारे साथ कर ही नहीं सकते हो तो वो चार साल में बने हैं तो ये डिफरेंस होता है ना चार साल और तीन या तो आप चार साल लगा के बनाओ या फिर आप मेरी जनता बहुत रैपिडली बनी 150 के में एक बार में खींच के लेके तो काम इतना किया उनके साथ इतना टाइम दिया उन लोगों को अपने व्यू पॉइंट बताए उनकी मदद करी हा? तो लोगों को दिखा कि यार हाँ ये बंदा कुछ भी निकालेगा तो कुछ करना पड़ेगा ना यार बैठे बैठा नहीं होता फॉलोअर्स इज जस्ट समथिंग आपके पास आई बॉल्स है

दिल्ली में जो ये फरीदाबाद में एक लड़का रह रहा है ना इसका बेंच जो कॉन्टेंट नहीं चलाना यार ये ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये हजार फॉलोअर पे है, इसको मैं बारह सौ नहीं होने दूंगा अब एक घंटा वर्क पड़ रहा है यार उसे क्वेश्चनग्राम hmm. so hmm. क्या चाहता है

मेट्रिक क्या होगा कि ऑडियंस को क्या अच्छा लग रहा है ऑडियंस को अच्छा क्या लगेगा किस तरीके से डिनोट होगा वो लाइक कॉमेंट शेयर सेव फॉलो ये चार पांच मेट्रिक्स हैं क्योंकि इंसान सेव करेगा तो दोबारा आके देखेगा शेयर करेगा नेटवर्क इफेक्ट्स बढ़ेगा कॉमेंट लाइक करेगा इंगेज कर रहा है ये सिंपल है अब आपको यही ऑप्टिमाइज करना है दिक्कत क्या होती है आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो इंसान के कॉन्शियसनेस को कॉन्शियसनेस पे इंसान ऑपरेट ही नहीं कर तो नहीं रहा है यार कॉन्शियस इंसान के लिए आप ये कहोगे कि यार ये चीज तो मुझे पता है ये दोबारा मत बताओ वर् फिर कोई भी ट्रेंडिंग ऑडियो चलती ही हो

सबकॉन्शियस नहीं जाने दे रहा वो बिठा रहा है रील पे तो आपको इंसान के सबकॉन्शियस को पकड़ना है ये ट्राइफेक्टा समझना है और उस तरीके से को तो फिर, मैं, मैं बस बात था। कि पहली चीज दिमाग से निकाल दो प्लेटफॉर्म इज प्लेटफॉर्म ग्रो पुट फकिंग थिंग ऑन योर हेड यू नॉट ग्रोइंग इट्स योर मिस्टेक सेकंड चीज अंडरस्टैंड योर ऑडियंस आप अपने कस्टमर का पर्सोना बनाओ मेरा कस्टमर कौन है मेरे को कौन देखना चाहता है और उसकी रोजमर्रा की दिक्कत क्या है वो समझो और वो तुम्हारा हुक है। hmm. वो चलेगा। को तीन सेकंड दोस्तों नहीं है इतना पागल है क्या भाई दो सेकंड में खट निकल गया तू आगे दो सेकंड में क्या पकड़ गए कैसे रोक सकता है विजुअल ऑडियो म्यूजिक हर चीज से जो तुम बोल रहे हो वो तो लास्ट के शब्द हैं तुम बाकी क्या दिखा रहे हो तुम तीन सेकंड का हुक अच्छा दे दो इंसान वैसे ही रुक जाएगा लोग वही नहीं दे पा रहे सारा गेम हुक का है जगह पकड़ के खींच तो लो ना इंसान को एक बार आने तो दो फिर तुम आगे कुछ भी बोल लो इंसान को ये भी याद नहीं रहता तीस में भी के इतना है हुक कुछ और था। एंड में मैंने वैल्यू कुछ और दे दी इंसान बहुत कुछ है वो भूली गया मैं देखने आया मतलब किया है कहा तुम्हें थ्री रीजन हाउ इंस्टाग्राम और आगे में सेल्फ हेल्प का ज्ञान देने लग गया और hmm. तुमने तो लगा यार ये बंदे ने ना अच्छा है, लूंगा मैं कल से। कोई नहीं है, नहीं अच्छा है लूंगा, सेफ कर लेता हूं। so आपको समझना प्लेटफॉर्म ऑप्टोमाइज किसी चीज को कर रहा है लेट से अब इसमें इमोशन होते हैं हायर हाउस इमोशन लोअर हाउस इोशन हायर हाउस के लोग पहले सोचते पॉजिटिव नेगेटिव मोशन होता है मैं अगर आपको मैंने कोई चीज़ फील करा दी जिसमें आप रोने लग गए आपने मेरी रील देखी फ़ोन बंद किया रोने लग गए क्या मेरे को प्लेटफॉर्म प्रमोट करेगा नहीं क्योंकि मैंने प्लेटफॉर्म से बाहर निकाल दिया इंसान को मैंने रील बनाई गुस्सा दिलाने वाली जिसमें आपको गुस्सा आया आपने चार लोगों को भेजा कॉमेंट किया प्लेटफॉर्म को अच्छा लगा यू हैव टू टैप ऑन टू हायर हाईजन इमोशंस टैप ऑन टू दैट ह्यूमन साइकोलॉजी एंड दैट वर्क्स ऑन एवरी प्लेटफॉर्म एंड दैट इज रेज इट्स नॉट अबाउट न्यूज इसलिए रेज नहीं दिखाता इसलिए दंगे नहीं दिखाता क्योंकि वो चल रहा है वो दिखा इसलिए रहा है क्योंकि लोगों को वो पसंद है लोगों को वो देखना पसंद है उस पर टाइम सबसे ज्यादा आता है इसलिए वो इंसान दिखा रहा है वो प्रमोट नहीं कर रहा है और वो कह रहे तुम्हें देखना ही यही है यह भाई बिग बॉस क्यों देख रहे हो आप इंसान से वो सीरियल क्यों देख रहे हो आप नहीं है ना कोई सेंस फिर भी आप देख रहे हो तो आपको उस सेंसिबल माइंड से बाहर निकलना पड़ेगा इट इज नॉट अबाउट अ सेंसिबल गेम It's about looking at things in a very different altogether view. And once you change this mindset, you crack the platform. That's the first thing that I tell people to do. What do you think works on Instagram in a sense, Matlabki? Do you think more serious content works on Instagram? Because I मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं बहुत ज्यादा सीरियस कॉन्टेंट बना रहा हूँ इसलिए लोग रुक नहीं रहे इसलिए दो हजार ढाई हजार व्यूज पे खत्म हो रहे वट डू यू थिंक इंस्टाग्राम पे जो ऑडियंस है वो बेसिक कॉन्टेंट पे ज्यादा रीच uh, दे पाती है क्योंकि ऑडियंस वैसी हैफकोर्स यूट्यूब के मुकाबले ऑडियंस बहुत इमेच्योर है क्योंकि ऑडियंस को क्विक चाहिए सब कुछ और इसलिए आपको क्विक देना पड़ेगा आप सीरियस बात कर रहे हो नॉवल की हमने कुछ टॉपिक से बात करी हम उसकी कुछ चीजें क्यों याद है क्योंकि एक्शनेबल इन साइड से मैं बोल सकता हूँ आप मेरे को ज्ञान दे दे रहे हो कुछ ज्ञान का मैं क्या करूं hmm. आप मेरे को उसका एक्शनेबल क्या है मैं क्या डिप्लॉय कैसे कर सकता हूं उसको मैं उस पर क्या करूं मैंने बोला आ, ये प्रोडक्टिव ये एक्सरसाइज जिंदगी बदल देगी अगर जिंदगी में हमारी सबसे पहली रीज ये आ, अगर जिंदगी में कुछ मुझना है तो ये देख लो hmm. पांच सेकंड लो और ये सोचो अब ये सोच लिया अब ये सोचो इतना सवाल पूछा हमने अब इस सिर्फ ये पांच सात सेकंड के में क्या हुआ जिंदगी में कुछ फोड़ना है एक ड्रीम आउटकम जोड़ दिया अब मेरे को फोड़ना है बिल्कुल फोड़ना मैं कैसे स्किप कर दूं पांच सेकंड लो वेरी क्विक टर्न अराउंड टाइम वेरी फकिंग क्विक पांच सेकंड में को रिजल्ट मिल सकता है एक चीज सोचो आपने इमिजिएटली सोची आपने सोच भी लिया मैंने बोला अगली चीज सोचो ये नहीं सोच पाए ना अब जो भी सोच पाया वो जाके कमेंट करेगा स्मार्ट दिखने के लिए देखो मैंने तो सोच लिया सात सेकंड में ही मैंने सारे के सारे साइकोलॉजी के मेट्रिक्स खेल दिया hmm. कि इंसान आगे लड़ भी रहा है इंसान आगे तारीफ भी कर रहा है मैंने एक्सरसाइज करी मेरे को ये मिल गया मैंने ये भी बोला अब जो सोचा वो कॉमेंट भी करो जो नहीं सोच सब कुछ कवर हो गया hmm. तो आ, आप जो ज्ञान भी दे रहे हो अगर सीरियस कंटेंट दे रहे हो आपको उस तरीके से देना पड़ेगा कि इंसान एक्शनेबल बना सके कुछ कर सके उसका या उसे चाहे कुछ कर कि उसे ऐसा लगे उसे होप मिल जाए उसे कुछ फील हो जाए मैं इसका कुछ कर सकता हूँ hmm. नहीं तो वो वेस्ट है गुड क्वेश्चन भाई फर्स्ट ऑल एवरीथिंग वुड वर्क दिस इज क्रिएटर्स वर्ल्ड इंडिया में आठ करोड़ लोग अपने आपको क्रिएटर बोलते हैं सवा सौ करोड़ की सारी जनता उसमें आठ करोड़ लोग अपने आपको क्रिएटर बोलते हैं क्रेजी तरीके से बढ़ने वाली क्रेजी इकोनॉमी। एवरीथिंग वर्क एवरीथिंग सेल्स दफा भाई मतलब कौन हो तुम मतलब legit, कौन हो तुम तुम कह रहे हो कि यार मैं एक नया कॉन्टेंट ओरिजिनेट करूंगा तुम भगवान हो तुम ओरिजिनेटर हो लौड़ाओ mm. तुम भाई सिंपल सी बात है तुम जाओ और जो चीज काम करिए पहले वो तो करो ना

भगवत गीता में जो लिखा है मैं तुम्हें कम से कम उससे ज्यादा किताबों का सेम ज्ञान दिखा दूंगा घुमा सेम से, से, से होता है हाँ। पॉइंट यही है भाई ज्ञान तो उतना ही है ना आप उसको अपने तरीके से बोलते हो तो आप सेम कंटेंट को उठा के मैं कह रहा हूं जो कॉपी पेस्ट कर लो तो तो, तो अपना बिल्कुल ही दिमाग लगाओ की नहीं है आप में दिमाग पहले आप डालो थोड़ा फीडबैक आएगा थोड़ी जनता आएगी फिर उस पर इनोवेट करना शुरू करो ऊपर से उस उसपे भाई उठा के आप डालो अपना तड़का आपको अपना तड़का डालना अपनी एनर्जी डालने अपने शब्द डालने इंसान कहानी सुनने आए है ज्ञान उसे भी पता है तुम सोचो मैं एक नया ओरिजिनेट कर दूं अबे नहीं होता कुछ कुछ भाई दुनिया में गए लोग बहुत तो तो एक तो ये चीज होगी कि कॉपी है okay. people, like कि यार, तुम सड़क पे जा रहे हो सड़क पे जाते जाते, जाते जो हमने सरोजिनी नगर की बात करी पहले पकड़ के खींचा खींचा कैसे चल चलते चल बात कर दी हा बड़े भाई आपकी जीन्स आ गई जो आपने ऑर्डर करी थी तुम <laughs> तुम सोचो कि उससे पहले तो तुम दुकान के अंदर हो ठीक <laughs> है अब उत, रिटेन करने के लिए क्या है तुम स्टोरी कुल लिस्ट मैंने जीन्स नहीं करी। इतने में दी। इस तरीके से रिटेन कर लिया रिवॉर्ड कहाँ पे अब यार जीन्स मेरे पे अच्छी भी लग रही है

आखिरी में रिवॉर्ड ये रख दिया कि यार ये अगर आपको ब्लाजर स्केल पे करना है हमारा थीम पार्क है वहां पे आ जाओ अब अगर यही मैं पाइप बेच रहा होता तो बंदे के लिए रिवॉर्ड मैच ना करता वो पाइप बेचने के लिए क्या कर ये मेरे को बट hmm. मेरे पास अगर एंड ऑब्जेक्टिव वो है तो इंसान को रिवॉर्ड मिल गया एंड देन द राइट सीटी है सो द रियल फ्रेमवर्क अंडरस्टैंडिंग द एल्गोरिथम कॉपी एंड पेस्टिंग पेटिंग दीसरी थिंग्स वुड वर्क फॉर यू अगर आप इस चीज को कर सको हम अपनी मेजरली अगर मुझसे कोई पूछता है कैसे तो ट हमारे क्रिएटर्स क्या हुआ sure that, कि उन्होंने सिर्फ ये तीन चीजें तो नहीं करी होंगी और क्या क्या किया ये तीन मेजर चीजें जो आपको करनी है बट उससे पहले वट वुड वर्क आर सो मेट पीपल होम अपलायंस पिछले एक साल से कह रहा हूँ मैं ये जब आप कहते ना कि हमने इतना बोल्ड ऑफर क्यों बनाया क्योंकि ऐसे बात करने में ना कोई सुनता नहीं है मैं भी कह दूंगा छत्तीस सौ लोग सुनेंगे कहें बात तो अच्छी है कोई करेगा नहीं होम अपलायंस में मोबाइल फोन में क्या होता है एक ब्रांड के कितने मोबाइल फोन है ठीक है एक ही कटेगरी मोबाइल फोन जिस पर यूट्यूबर इतने बड़े बड़े बने हैं होम का एक फेमस इन्फ्लुएंसर बता दो मेरे को घर में वॉशिंग मशीन खरीदनी है फ्रिज खरीदना है माइक्रोवेव खरीदना है मेरे को आदत पड़ गई है भाई की पहले नहीं बिकता था वो सामान वहां अब मेरे को आदत पड़ गई है कोई क्रिएटर ही नहीं है साला जो मेरे को गाइड करते ढंग से जिसमें भरोसा कर दू कि ये वॉशिंग मशीन जो रेकमेंड करेगा ये लेनी है मुझे मैं जाकर सेल्समैन से ही पूछ रहा है जो अच्छी है पैक करके दे दे साला गिने चुने के यूट्यूबर है वो भी ढंग के नहीं है साले ठीक है दैट्स वन कैटेगरी कैटेगरी स्पोर्ट्स

और कौन से सेगमेंट में लड़कियां? एक, एक तो क्या, क्या लड़कियों की स्ट्रगल नहीं है बिल्कुल है क्या उनकी स्टोरी हमसे अच्छी नहीं है बिल्कुल अच्छी है क्या वो हमारे इमोशन को अपील नहीं कर सकती हमसे अच्छा सकती है पर ज्ञान लड़का ही देगा लड़की को भी क्यों देगा कहा गए वुमेन इंपार्टमेंट यहां करो ना आप फॉर द्राफ

Speak in your don't, लोगों मेरी हो जाएगी। अ, हमारे क्रिएटर भाई हमारा क्या मतलब दोस्त है वो छह हजार फॉलोअर्स कुछ तीन सौ पोस्ट में मेरी देख के पड़ गई तीन सौ पोस्ट तीन सौ रील मैंने टोटल आज तक साठ सत्तर रील्स डाली लिया भाई टोटल अपनी जर्नी में तीन सौ रील्स मेरी देख के पड़ रही छह हजार फॉलोअर मैं तो काम ही नहीं कर सकता मैं पागल हुई नहीं यहाँ पे इतना मैंने कहा भाई तू मरवाड़ी कॉन्टेंट बना कह रहे ये कौन देखे वो मैंने चुपचा बना रहे तीन रील बारह हजार फॉलोअर पार You na, आपको ये के जैसी मूवी क्यों पसंद है उसमें भी वो अत्याचार एक तरह से कर ही जिन लोगों के बीच में बट लोगों दिख रहे हैं मेरे बीच में से आया है कम से कम चाहे कितना ही हम पे अत्याचार कर रहा है ये मेरा बंदा है गिव पीपल दैट आइडेंटिटी एंड भाई ये तो टॉप ऑफ द माइंड है ऐसी ना छत्तीस चीज और है जो आते जाते मेरे दिमाग में नहीं आ रही है जहां पर मार्केट है और नहीं तो सेम मार्केट में भी घुस के आप हार सकते हो यार इतनी ईजी गेम बन चुकी है ये कि आप कहीं भी घुस के बांट सकते हो फाइनेंस में यार हमारी लड़की फिटनेस में हमारी लड़की ये लोग 900 900 के 80 पोस्ट में 50 पोस्ट में 500 के टैरेट कार्ड सेल्फ हेल्प राम मंदिर राम मंदिर इतना बढ़िया ट्रेंडिंग कोई क्रिएटर ही नहीं बना अयोध्या अयोध्या में जो ये राम मंदिर बन रहा है हमारी एक क्रिएटर है वो सिर्फ राम मंदिर पे बना रही है सिर्फ राम मंदिर और उसने वहां पर अपने एयरबियन भी खोल दी है उसका बहुत सिंपल था ये मेरा टॉप फनल है जैसे ही राम मंदिर खोलेगा मेरे मोनिटाइज तो उस तरीके से होगा ना

साक्षी ने जब कॉन्टेंट बनाया फाइनेंस में बहुत लोग गाते हैं सक्सेस को डालते थे लड़की इसलिए कर दी ऐसा नहीं है वॉट वर्क फॉर अस फॉर हर वॉज शी फॉट विद द सिस्टम इन द मोस्ट हार्बल वे पॉसिबल वॉट इट मीन्स ए कॉमन पेन पॉइंट ऑफ अ यूजर मेरा कॉमन पेन पॉइंट क्या है मेरी कई बार फ्लाइट डिले हो जाती है मेरे को कई बार होटल कमरे में कमरा अच्छा नहीं मिलता मेरे को पे कोई पेनल्टी एक्स्ट्रा लगा देता है क्रेडिट कार्ड पे चार्ज एक्स्ट्रा लग जाता है कॉमन प्रॉब्लम हम सबकी अब अगर सेम चीज मैं रील पे जाके मैं जाके बैंक वाले को बोला फ्लाइट वाले बोला मेरी फ्लाइट यार डिले हो गई है hmm. और उसने बोला तो मैम कोई बात नहीं आठ घंटा आप वेट कर लीजिए दैट इज अ अ डेरोगेटरी स्टेटमेंट इन सेंस कि आठ घंटे वेट कर लीजिए या कुछ भी जब सिस्टम बैकलैश दे रहा है एंड शी रिस्पॉन्स इन द मोस्ट हम्बल वे हाँ तो ठीक है मैं चले जाती हूँ आप मेरे को ना इस इस लॉ के हिसाब से लाख रुपए दे दीजिए और मैं जा रही हूँ थप्पड़ नहीं मारा कोई कुछ नहीं करा प्यार से बोल दिया ये रनिंग फ्रेमवर्क है उसके लिए mm. इस फ्रेमवर्क को चेंज किया हमने मतलब उसने स्टार्टिंग में पेन पॉइंट खुद नहीं बोला या फिर पेन पॉइंट बोला ही नहीं मैंने बोला यार मेरे को होटल से क्लेम नहीं मिला होटल से क्लेम हर कोई हम हॉस्पिटल से क्लेम नहीं मिला ये रोज रोज नहीं देख रहे हॉस्पिटल हमें समझ ही नहीं आया बट मेरे दादाजी हॉस्पिटल में मर गए और साले भी मेरे को पैसा भी नहीं दे रहे दैट इज स्टिल रिलेटेबल सो और रिलेटेबल हो स्पोकन बाय बाय हर नॉट बाई सिस्टम शी इज फाइटिंग विद द मैट्रिक्स अंडरस्टैंड दैट एंड देन सिस्टम हैज विद्रिक्स अंडरस्टैंडम है शी गोज इन जो एक नॉर्मल रोजमर्रा की दिक्कत हो जाएगी और सिस्टम ने अगर बोल दिया अरे नहीं नहीं मैम आठ घंटे आपको फ्लाइटिव आप ले लीजिए वो नहीं काम करेगा सिस्टम को मारनी पड़ेगी कि नहीं कोई नहीं तेरी कोई औकात नहीं है फिर इन, फिर ये फाइट बैक करेगी थप्पड़ नहीं मारेगी बहुत प्यार से बात करेगी अगर ये थप्पड़ मार देगी काम नहीं करेगा तो ये तीनों पॉइंट्स परफेक्ट फिट होने चाहिए जहां पे ये हिला वहां पर क्योंकि इंसान क्या देख रहा है कि मेरी जिंदगी में दिक्कत होती है मेरे को सिस्टम से ये जवाब मिलता है मैं कैसे उसका रिस्पॉन्ड कर सकता हूं मोस्ट हम्बल वे ये इंसान देख के सीख रहा सो दिस वॉज हर वाई एम एम टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज लोगों को लगता है कि यार बहुत ईजी है सारी गेम ईजी है जो मैंने बात करी इनिशियल फॉलोअर्स गेन करना ईजी है बट क्रिएटिंग इनफ इनफ रील्स डूइंग ए बी टेस्टिंग और उसमें से ये इनसाइट निकालना इज आर एक्सपर्टीज अब हमने कहा हमारी एक्सपर्टीज से हम लोगों की बहुत मदद कर देते हैं ये पंद्रह मिनट की कॉल थी भाई साक्षी की स्टोरी ये थी पांच हजार फॉलोअर

तो भाई प्लीज हमारे पास आओ या फिर का क्या मतलब है? मतलब थोड़ा बहुत पैसा खर्च दिन, दिन, दिन है उससे ऊपर है तो दिक्कत ही है तो हम सजेस्ट करते हैं नया ही बना लो उससे क्या क्यों नया क्यों बनाना है यार मैं टी शर्ट बेचता हूँ समझो या आप टी शर्ट बेचते हो ठीक है आप कहते हो मैं पांच हजार की टी शर्ट बेचूंगा और जब भी कोई बंदा मेरे से टी शर्ट देता है

क्या करना है मेरे को पीछे से एक मैट्रिक घुमाना बीस परसेंट कम हो गई तुम्हारी फटली उतनी में ही तुम तो पैसा खर्च सकते ही तुमने क्या पैसा खर्च किया जाएगा मैं करूँगा ठीक है ऊपर से एड्स चला के रिजल्ट आना सबसे आसान चीज़ है तो लोगों को यही पता है मतलब कि जैसे ही एड चलाऊँगा रिजल्ट आ जाएगा तो फेसबुक को दिख रहा है ये तो रनिंग इंजन है इसको मैं छेड़ू की जिसने एड को नहीं हाथ लगाया है उसको मैं भी भाई इसमें थोड़ा सा तरसाऊंगा बट अगर वो थ्रेशोल्ड पार कर गया तो भाई बनाने दो कंटेंट मेरे को तो कंटेंट क्रिएटर चाहिए अपने प्लेटफॉर्म पे दूसरी चीज़ साक्षी साथ पेज हमारे पास यार कम से कम ऐसे तीस चालीस लोग हैं जिन्होंने दस दस हजार फॉलोअर्स के पेजेस को बंद किया है मतलब दस हज़ार फॉलोर लोगों ने एक एक साल लगा के लगाए हैं दस हजार रुपए लगा के बनाए हैं लोगों ने बंद कर दिया हमारे तो हम साक्षी तो के, तो तो के साथ जब मेरी कॉल थी तो मसूरी और हमारी कॉल में टल आइडेंटिफाई तो करने में दिक्कत होती है यशिका के साथ कॉल हो तो इमीजिएटी और मैंने कहा काम कर रहा हूं तुम ये कर लो ठीक है साक्षी सर जो टाइम लगना था हम बैठे तब उसके मेरे ख्याल पचास चालीस पैंतालीस हजार फॉलोअर फाइनली पहुंचे थे यार यशिका पहुंच गई थी फोर सेवेंटी के पे और ये लग रहा था मुझे भी करना अंदर तो रहता है कि यार मैं उतना ग्रो यही नहीं कर पा रही तो मैंने बैठ के डिस्कस किया मैंने कहा ये वर्निंग फॉर्मेट है इसको ट्राई कर ले लेट्स सी अगले पचास पोस्ट में नो हंड्रेड के सिंपल यशिका के लिए वार्ड वो सिंपल हुक्स मैं पतली कैसे हूँ यार सब कुछ कर लिया पतली नहीं हो रही और इमीजिएट दूसरे जो काउटेंट जल्दी जल्दी आ गया और जैसी पतली नहीं हो रही मेरे को भी ऐसी बॉडी चाहिए और वहाँ पे आपने नरगिस की फोटो को लगा दिया कोई भी ऐसा तरह रहेगी वोटो जिसको भी इंसान एस्पायर तो एक ड्रीम आउटकम दिखा दिया प्रॉब्लम स्टेटमेंट ड्रीम आउटकम अब आप कुछ कुछ करे जा रहे हो ठीक है तो वो प्लस हमने लोगों के साथ बहुत सिंपल किया लोग कहते हैं कि यार कैमरा क्वालिटी माइक क्वालिटी सबसे आसान चीज़ होती है एज अ कोच ये बोलना कि भाई ये महंगी चीज़ें खरीदो तो ही काम होगा मतलब तो कुछ मत कहते तो इनके तुम कॉन्टेंट क्वालिटी देख लो याशिका को और साक्षी को भी पता नहीं बोल बोलती यशिका तो खासकर आई रिमेंबर डिस्टिंगटिवली आई कॉलोज एक कुछ भी हो ना तेरी वीडियो क्वालिटी बदलेगी ना तेरी ऑडियो क्वालिटी बदलेगी सब बेकार है और यही रखना है इसका क्या रीजन है ऑडियंस को अच्छा लग रहा है ना अब क्यों ऑडियंस को और तुम क्यों इनोवेट करना चाह चाहना तुम्हें क्यों लग रहा है पैसे मारने से सारी चीजें सॉल्व सार हो जाएंगी भाई ऑडियंस को पसंद आ रहा है ऑडियंस को रॉ लग रहा है ऑडियंस को लग रहा है मेरी जैसी कोई लड़की है जिसके पास फोन अच्छा नहीं है ऑडियो अच्छी नहीं है और ये रील बना रही है तो चलने तो समथिंग इज वर्किंग डू नॉट फकिंग चेंज इट भाई वैन इट स्टॉप्स वर्किंग देन इनोवेट ऑन इट चलते हुए क्यों रोकोगे आप कह रहे हो गाड़ी चलती हुई को रोक के मैं उसमें कुछ चेंजेस करूंगा फिर चलाऊंगा अबे पागल हो गया

पे uh, यार आई उससे कुछ होता नहीं उससे बस ये होता है कि आपको अगर एक रील आज मैंने डाली वो लच्च से पांच दिन तक मान लेते हैं कि जूस देके जाती है मतलब पांच दिन तक उसके कुछ 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 व्यूज आएंगे तो जो मतलब मैंने मंडे को डाली ट्यूजे को डाली थर्सडे को डाली थर्सडे फ्राइडे को जब डाली तो फ्राइडे को पिछले चार दिन के रील के भी व्यूज मिल रहे थे अगर मैं सिर्फ एक पीस डालता फ्राइडे को ही तो ये पीछे के व्यूज नहीं मिलते सो जस्ट बाई अपलोडिंग एवरी डे फर्स्ट आई इंक्रीजिंग माई व्यूज ऑन फॉलो अप रील्स यू कैट दिस सो मतलब आई पोस्ट ऑन मंडे ट्यूजडे थर्सडे जब मैं फ्राइडे को भी डालता हूं तो इस पे इस ये ग्रो ये अभी पोस्ट किया है इस वजह से इन पे भी व्यूज आ रहे हैं एक तो पीछे पे जा रहे हैं और मैं कह रहा हूँ पीछे वालों के यहाँ आ रहे हैं ना वो पिछली वाली रील भी देख के कोई इंसान जो प्रोफाइल पे आया उसने नई रील देखी क्योंकि लेटेस्ट सबसे ऊपर ऊपर देखेगी पहली चीज ये दूसरी चीज स्किल राइट यू हैव टू प्रैक्टिस इट्स गेम क्रिकेट को आप जितनी बार शॉट मारोगे उतना आप उसके अंदर अनालिसिस करते हो आप कहते हो यार ये छे फॉर्मैट मेरे को मिले हैं या ये छह चीजें मिली हैं जो करी है जो आइडेंटिफाई करिए पांच पांच, पांच चीज में सपे बनाऊंगा और देखूंगा किस पर क्या रिजल्ट आ रहा है फिर मैं अपना विनिंग फॉर्मेट ढूंढूंगा so, तो हम जब कहते हैं कि लोग हमारी कम्युनिटी में आते हैं पॉइंट ये होता है कि बेसिक फ्रेमवर्क सेम है उसके ऊपर कुछ कुछ चीज़ें बिल्ड करनी होती है आइडेंटिफाई करनी होती है और वो आइडेंटिफिकेशन हमारा नजरिया इतना आसानी से बन चुका है कि हम जल्दी से पकड़ लेते हैं वो पकड़ने में हम हेल्प करते हैं प्लस कम्युनिटी आपको ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है यार अकेले ग्रो करना फट लेती है यार mm. कैसे करोगे अकेले करो आपको चाहिए मोटिवेशन मेरे साथ का बंदा जब हंड्रेड के करेगा तो मेरे को लगेगा मैं भी कर सकता हूँ अगर मेरे साथ आसपास पास सारे हजार फॉलोर बैठे हैं आई रिमेंबर मैंने पहली बार जब इंस्टाग्राम लाइव किया था

जो नहीं ग्रो कर क्रिएटर्स कर रहे हैं ना ये नहीं करना चाहिए आपको why... trending hashtags, trending music, क्या चुतिया भाई? मतलब आई नेवर गेट दिस भाई पाँच सात परसेंट मैटर करता होगा बट उससे चक्कर में आप सब कुछ उसी पर डाल दो उससे कुछ नहीं होगा यार ट्रेंडिंग म्यूजिक से आपने आई बॉल्स पकड़ ली बट इंसान को सब्सटेंस हो दो ट्रेंडिंग म्यूजिक सब्सेंस आई बॉल्स पकड़ने के लिए बहुत अच्छा है और लोग कह रहे ट्रेंडिंग म्यूजिक बता दो अभी इंस्टाग्राम खोल भाई जो रील चल रही है जो म्यूजिक चल रहा है वो ट्रेंडिंग म्यूजिक है उसमें मैं अनोखा कोई म्यूजिक इजाद तो नहीं कर दूंगा मैं भी स्क्रॉल मारूंगा रील भाई रील नाम की फीड जो बटन होता है उसको तुम कभी खोल के देखो तो उसमें तुम्हें टॉप वर्किंग रील्स मिलेगी पूरे वर्ल्ड की तुम्हें क्लियर सोना इंस्टाग्राम सामने रख के दे रहा है ये चलता है पर तुम कहोगे नहीं मैं तो कोई और म्यूजिक ढूंढ के लाऊंगा अभी वो चल रहा है वो यूज कर लो ट्रेंडिंग हैशटैग के लिए चार हैशटैग चुपचाप कुछ भी डाल दो यार फिक्स कर लो थोड़ा सा रिसर्च कर लो उसमें इतना ज़्यादा टाइम मत लगाओ और क्या बेसिक एडवाइस होती है व्हाट टाइम टू पोस्ट हाउ मच टू पोस्ट इन चीज़ों से आगे निकल जाते हैं ना थोड़ा सा व्हाट टाइम टू पोस्ट आपकी जनता आपको बताएगी व्हाट टाइम टू पोस्ट मैं रात को इसलिए पोस्ट करता हूँ ताकि रात को डिस्ट्रक्शन हो इंसान ध्यान से देख सके वो लॉन्ग फॉर्म के लिए वो मेरे लॉन्ग सेशन के लिए बहुत काम आता है क्या इंस्टाग्राम पर भी काम आता है पता नहीं मेरी ऑडियंस रात को एक्टिव होती है मुझे पता है कि मेजर प्रॉबिलिटी दिन में कुछ 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 रहेगा रात को न बजे बिल्कुल खाली है साला कुछ नहीं करना उसे वो बैठ के देख सकता है दैट इज माई थ्यूरी या मैं अपने मैं डेटा पे जाके हम सिंपल कहते हैं तुम्हारे डेटा पे देखते हैं यार तुम तीन चार अलग अलग टाइम पे पोस्ट मारो लेट सी वैन बी गेट मोस्ट लेट सी वेन आर फॉलोअर्स मोर एक्टिव दैस टाइम तो ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जो बाकी कोचेज करते हैं जो मेरे को इंस्टाग्राम कोचेस कोई नहीं समझ में आता इसलिए जो अपने आपको इंस्टाग्राम कोच कहता है मैं तो अपने आपको कहता ही हूँ इंस्टाग्राम कोच है ही नहीं भाई हम तो हम तो साइकोलॉजी पे खेल रहे हैं हम तो साइंस पर खेल रहे हैं हम तो कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं ज्ञान तो मैंने सारा दे दिया मेरे वर्कशॉप में आने की जरूरत नहीं है यू नॉट नीड टू बाय माई वर्कशॉप मैं वर्कशॉप में यह बताने वाला हूँ For watching, do not, my workshop, यही, यही दोनों कुछ -कुछ ही फर्क है, है ज्ञान ले लेना बहुत आसान है एग्जीक्यूट कितना भी आसान हो सबको पता है सुबह जिम जाना जरूरी है सबको पता चल और कुछ ही दस मिनट नीचे भाग के आ सकते सुबह उठ के कितने लोग भागते नहीं भागते हैं ये दिक्कत है कि लोगों को एक बहाना मिल जाता करने का नॉट फॉलोइंग दी स्टेप्स इज वन ऑफ द बैड हैबिट्स कि भाई ये इन वजह से तुम कितना भी मेहनत कर लो तुम कितनी भी कोशिश कर लो नहीं ग्रो कर पाओगे मेरे हिसाब से हाँ दिस इज थिंग राइट वट डू थिंक इज द बेस्ट वे टू बी कंसिस्टेंट वेन आर प्रोड्यूसिंग क्वान्टिटी इज ए बैच प्रोडक्शन दैट यू थिंक और आप वॉट एडवाइस डू यू गिव इन यार हमें जो डेढ़ लाख रुपए महीना भी देता है ना हम उसको कहते हैं पोस्ट तुम खुद ही करोगे ठीक है मैं उसके लिए कर सकता हूँ पोस्ट मैं सब कुछ कर रहा हूँ तो तो पोस्ट तुम खुद करोगे जब वो बटन दबाओगे ना तुम खुद से

तो इसलिए इनिशियली अगर आप चार चार शूट कर लो पांच पांच शूट कर लो दट बी मच ईजियर एंड मेक द शूट द मोस्ट ईजियस यहाँ हो यहीं बैठ के शूट करो कोई स्टूडियो की जरूरत नहीं है कोई माइक की जरूरत नहीं है कुछ नहीं है फोन खोलो सारे फोन इतने केपेल हैं डिसेंट है एंड्रॉड आई पे लोग लड़ते रहते हैं यार आई फोन पर थोड़ी अच्छी रीच अभी दस परसेंट ज्यादा अच्छी रीच आती होगी यार फकट मेजोरिटी तुम ट्वेंटी परसेंट ऑप्टोमाइज कर रहे हो ए टी ट्वेंटी का रूल है भाई जिंदगी में हर किसी के लिए ट्वेंटी परसेंट एफर्ट लगा के अस्सी परसेंट रिजल्ट आ सकता है वो करना वो मैंने तुम्हें बता दिया तो यही बैड हैबिट्स यही गुड हैबिट्स सब कुछ सार यही है hmm. उसके बाद तो अलग अलग आप इन्फ्लु बिल्ड करते हो जैसे एक छोटी सी चीज आ, यहाँ पे अगर समझ लो पचास मिठाई की दुकानें यहाँ तुम किस में चढ़ोगे तुम उस पर चढ़ोगे जहाँ पे पहली बात लोग होंगे दूसरी तुम उस पर चढ़ोगे जहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा होगा राजस्थान के उन्नीस के मशहूर पेड़े

एंजल इन्वेस्टर यूज ड्रीम आउटकम दैड आई वु अचीव आई एम ड्रॉप आउट हर कोई आई एम जाना चाहता है दो चीजें क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश कर दी कि ये बंदा बहुत फाड़ है मेटोर्ड फिफ्टी के स्टूडेंट अगेन अ क्रेडिबिलिटी मेटर इट बट समथिंग दट टेल्स पीपल दई केन हेल्प एम डी नाट इम परफेक्ट यूनिवर्सिटी टॉकिंग अबाउट मी डी एम बूम टू लर्न फ्रॉम मी फसू गेट इन माई फैनल टू गेट टू टॉक टू मी दिस वर्क फॉर मी हमारे व्यूज टू फॉलो रेशो दुनिया के मुकाबले बहुत ज्यादा है मतलब वी डन आई यार मैंने डेटा पॉइंट्स ना इतने बैठ बैठ के देखे हैं लोगों के साथ कि आपकी कब रील पे नॉन फॉलोअर्स को रीच जाती है कब फॉलोर्स जाती है क्यों जाती है या क्यों आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सारे नोआनसिस होते हैं जो आप ओवरऑन फिगर आउट करते हो बट ये मैं अभी इस तरह नहीं बता रहा क्योंकि हर किसी के लिए जरूरी नहीं है नहीं। इसमें इसको आप एक तरीके से और सोच सकते हो जो कैनोलॉजी की अगर बात करें कि यार आपको एक मैंने बहुत बड़ी मार्केट में छोड़ दिया जिसमें हर गली में दस दस सेम दुकानें हैं अब मैं आपको कह रहा हूँ मैं उस मार्केट का ठेकेदार हूँ बेसिकली इंस्टाग्राम हुआ मैं कह रहा हूँ भाई तू जो प्लॉट पर चाहे दुकान खोल दे जिस गली में जाएगा आप ऐसी दुकान खोल ले तो तू चाहे तो जूते बेचने गया या कपड़े बेचने गया कुछ गया या फिर तू फाइनेंस विद चरण की तरह तूने कहा यार मैं कुछ अतरंगी करता हूँ तूने रिस्क बढ़ा लिया तूने कहा चाय अलग बिक रहा है सुट्टा अलग बिक रहा है चाय सुट्टा बेचूंगा मैं दैट कुड हैव वर्क दैट कुड हैव नॉट वर्क दैट वर्क फॉर हिम सो यू नीड टू आइडेंटिफाई वॉट गेम डू ड्यू वॉन्ट प्ले इफ यू प्लेंग अ रिस्की गेम मैंने एक रिस्की गेम खेला कि मैं यार इस तरीके से बात करूंगा जैसे कोई कर नहीं रहा इट वर्क फॉर मी इट पेड ऑफ हो सकता है इट वुड नॉट हैव

मैं uh, पहले इंडिया इंडिया से शुरू गरूंगा। मैं गरूंगा। इंडिया में बहुत लिमिटेड लोग हैं वरुण माया प्राकर के प्रवचन टू पीपल आई रियली लव द ऑफ अच्छा नहीं लगा क्रेड क्यूरियस इज दिन पॉडकास्ट अगर इफ But there's something about Kunal Shah, right, is the very line of questioning, into psychology, philosophy. Yes, very precise questions, if you can deploy them, it's not for everyone. It's for a very limited audience, if you can understand and deploy them, crazy insights. Literal crazy insights. Articulation, podcast. is articulation of your thought. Shane Parish was also on uh, Yes. Red Curious. Yeah, huh? uh, Shane Parrish's Clear Thinking book came ki thi before launch, so Penguin sent it to us. तो शेन बारिश में से ही फानता हूँ मैंने किताब पढ़ी फाक भाई क्या किताब है आई रच आउट टू इम बारिश मैंने कहा यार बुक का टाइटल बदल दो कह रहा क्या रखना चाहिए आई सजेस्ट इम कपल कोर्स बट एंड रीच आउट टू पीपल मतलब अच्छा uh, इस पर बात बात करेंगे एनी वस यू एस के यार अगर मैं बात, बात करूँ फॉरन तो uh, की बात करूँ तो आई लाइक अगर मेरे को क्रिएटिव एंगल पर देखना मिस्टर बीस की वीडियो मैं बहुत क्रिएटिव एंगल से देखता हूँ आयुषमान फ्रेंड ऑफ माइंड हम दोनों पूरी पूरी रात बैठ के मतलब एक एक घंटा हम बस वो वीडियो देखते हैं और ब्रेकडाउन करो इसने क्या किया गया कैसे कैसे किया

अच्छा उससे पहले द फर्स्ट स्टेप इज फॉलो गुड पीपल सो आई कीप फॉलोइंग रैंडम पीपल कि कविन की स्टोरी में जो भी लोग आएंगे मैं सबको फॉलो कर लूंगा क्योंकि अगर वो इसके साथ हैंग आउट करे तो अच्छे ही लोग होंगे ना मेरे डाउन साइड क्या है कोई चूते बंदा होगा हटा देंगे मैक्स यही तो होगा इतना ही तो है ईजी तो मैं इसलिए बहुत सारे लोगों को फॉलो कर देता हूँ तो लोग कहते हैं मैं एक दो लोगों को फॉलो करूंगा मेरे पे दो हजार लोग फॉलो कर रखे हैं मैंने डेढ़ हजार दो तो हजार लोग हाँ हर किसी को फॉलो करता हूँ भाई मैं मेरे को दिक्कत ही नहीं है मैं खासकर सर्वेंट्स को बहुत फॉलो करता हूँ मैं कहीं रेस्टोरेंट में गया कोई बंदा देख के, के वैसा होता है कि यार आपके हंड फॉलो कर रहा मेरे को भी भी दे मैं भी फॉलो करूँ बटन दबाने से भाई बंदे की जिंदगी बन गई सर्वेंट्स क्यों ऐसे यार मतलब उन लोगों के लिए बहुत बड़ा फैसिनेशन है अच्छा, ऐसे कि मैं रेस्टोरेंट में गया हूँ उसको वो फोटो खींच रहा है कह आपके हंड्रेड के हैं मैं हंस खेल के बात कर लेता हूँ सबसे आप अपना इंस्टाग्राम दोगे तो मैं कहता हूँ अच्छा ये तेरा नाम है ना ये ले फॉलो और भाई बंदे का दिन बन गया बंदा जाके चार लोगों को बता रहा है कि देखो ये हंड्रेड के वाला मुझे फॉलो करता है मेरा तो कुछ नहीं गया कुछ मतलब दर इज नो फकिंग फकिन कमिंग सेट टू द पॉइंट कविन भारती ने स्टोरी टेलिंग का डाला मेरे को इसने मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं किया उसने अगले दिन डाला अच्छा पहले उसकी स्टोरी थी ब्लॉक के बारे में मैंने कहा आई वुड लव टू वर्क उसका रिस्पॉन्स नहीं उसका बारह घंटे बाद स्टोरी टेलिंग की मैंने कहा आई एम दी बेस्ट पर्सन दैट यू कैन एवर फॉर दिस पोजिशन सिंगल स्टेटमेंट लाइन इमीजिएटली रिप्लाई है ये मेरी ई मेल मेरे को मेल करो एंड इनिशियेट द कन्वर्सन थ्री रॉन्स ऑफ इंटरव्यूज विद दो टीम उसके राइट हैंड के साथ मेरा फाइनल मीटिंग था क्रेजिंग मीटिंग वज इंटरव्यूंग फर जॉब दट आइड इंड वन नो मे को तीसरे इंटरव्यू तो आता है पता चला ये तो रिटर्न स्टोरी टेलिंग मतलब दूसरा में पता चल गया था मैंने कहा इंटरव्यू तो देते हैं आगे रिटर्न आई एम वेरी बैड विद राइटिंग तो मैंने तीसरे इंटरव्यू में कुछ बोल दिया भाई तीन लाख रो महीने के नौकरी की बात हो रही है सर आता आया नहीं मेरे को रहन दो क्योंकि पैसे ले लूँगा प्रूव भी तो करना पड़ेगा आता ही नहीं है वो एंड इंडिया स्टंडिकॉन सब मतलब ये पॉडकास्ट देखा जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं क्या वो इसका एक फोटो खींच के इंस्टाग्राम स्टोरी मुझे टैग करके दो जो उन्होंने बेस्ट लगी वो वो डाल डाल नहीं नहीं सकते डाल सकते हैं अगर वो डालेंगे क्या मैं उनका लोगों को लगता है कि और जैसे ना अभी इसके बाद भी मैसेज आएंगे और मेरे को इससे पहले भी मैसेज आए कि वहां तक कैसे पहुंचे हैव लेस सब्सक्राइबर्स भाई रीच आउट किया भाई मेरे हज़ार फॉलोअर्स थे तो रीच रिचार्ज किए हुए हैं ये हंड्रेड ट्यू कौन की मैंने बस एक सेशन में स्टोरी डाली आ, मेबल नाम है उनका ये अपनी कौन सा कंपनी का नाम भूल रहा हूँ मैं वनवर्ड नाम है यार बैंकिंग में है न्यू बैंकिंग में ओपन ओपन नाम है स्टार्टअप का मैंने रैंडम एक आ, सेशन में बैठा था मैंने फोटो ली साथ में चार लाइनें लिखी मैंने ये सीखा अटैक कर दिया उनका आया थैंक्स फॉर शेयरिंग क्योंकि एक फाउंडर को तो फेम मिला ही नहीं है ना जिसको फेम मिला ही नहीं है पैसा हर कोई कमा लेता फेम हर किसी को नहीं मिला मेरे को आज तुम स्टोरी डालोगे शायद मैं रिस्पॉन्ड नहीं मेरे पास सत्तर सौ लोग कर रहे हैं आज

तो कहीं भी बात होगी तो मैं कह सकता हमारी बात हुई, हुई है इंस्टाग्राम पे दस वस्ट क्रिएटिंग सेशन में मैं अ, अलग कोर्सेज वर्कशॉप क्योंकि हमें खुद के बिल्ड करने से हम लोगों के लेते थे और मैं पिछले चार साल से लेता हूँ अलग अगर मैं जाता था भाई बिल्कुल अपने बेस्ट सेटअप में हेडफोन्स माइक लगा के ऑन करके बैठता था कैमरा सेशंस में ना जनरली होस्ट के ऊपर ही वो होता है सब कुछ अब मैं बैठा हूँ और मैं बातें करने को तैयार हूँ तो उसको भी दिख रहा है कमेडियन किस से बात करता है जो बात करने को रेडी और जो एक्चुअली माहौल बढ़िया बना सके आई यू शू टॉक अबाउट मी भाई कम से कम पंद्रह बीस इनबाउंड लीड है मेरे पास हर हर सेशन में हर किसी और के सेशन में क्योंकि हर कोई कह रहा है इस बंदे से मुझे बात करनी है होस्ट मेरे को याद रखता है आई नो ऑल दी कोचेज बिकॉज ऑफ दिस क्योंकि उनको मेरी शक्लें याद हैं मेरे से बैठ के बातें करी हुई हैं

कि यार इनकी लड़ाई चल रही है और बहुत अगली लड़ाई हो गई है दोनों को ही करना नहीं चाहिए था संदीप ने बहुत स्मार्टली खेला था विवेक को रिस्पॉन्ड नहीं करना विवेक को लगा जीत जाएगा संदीप ने उठा के उल्टा फेंक के मार दिया एंड यार एक बहुत सिंपल जवाब कोचिंग इंडस्ट्री में होते हो ना हर कोई ग्रो नहीं कर सकता हर चीज़ में मैंने क्या कहा मेजोरिटी लोग ग्रो नहीं करते बट वो क्यों नहीं करते क्योंकि उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया कुछ अब आपने ये चीज़ लाके लोगों के आगे रख दी और लोग अब मेरे आगे भी आके हल्ला मचा सकते हैं यहाँ पर लोग कि भाई हम नारा ग्रो नहीं करा अरे बट भाई तूने भी तो एग्जीक्यूट नहीं करा पर उनकी आवाज़ अब ज्यादा दिखेंगी तो वो चीज़ आएगी रहेगी प्लस बिजन... विवेक बिंद्रा का मॉडल क्योंकि बिकॉज आई क्रिएटेड वीडियो फॉर एमपोर से को तो मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आता है उन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल जो होता है प्रोडक्ट बिजनेस में उसको सर्विस मॉडल में क्रिएट कर दिया एक तरह से एम बना दिया और वहाँ पे जब आप सपने झूठ बोल के बेचते हो ना मतलब मेरी सेल्स टीम से ज्यादा बहुत क्लियर है मेरी सेल्स टीम जब भी जब किसी को क्लोज करती है मैं रैंडमली लोगों को फोन करके पूछता हूँ कि तुम्हें क्या बोल के बेचा गया एक आधे कस्टमर साथ हुआ उसे कुछ और बोल के बेचा गया था मैंने इमीजिएटली भाई ये नहीं है कुछ भी बेच के आ जाता mm. है, sure वे वे साथ वो है क्योंकि हो, तो हर कोई कुछ भी बेच रहा है mm. MLM, भाई, वो क्या क्या बेचते हैं वो बेच देते हैं कल आपके यहाँ नीचे आके गाड़ी खड़ी हो जाएगी बेच के गंदा गाय अब गाड़ी नहीं खड़ी हो रही बंदा जाके फाउंडर की जब मौका मिलेगा मारेगा भाई नथिंग

वो मासी ऑडियंस है वो ऑडियंस वही है जो अभी भी फिगर आउट कर रही है कि 10, 12 के बाद क्या यार आई टेल यू द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद कोचेस और संदीप और विवेक और एनीवन और उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए तो फायदा है दुनिया के लिए क्या प्रॉब्लम है वो हमेशा कोशिश करते हैं कि हम भगवान बन जाए लोगों के लिए और इंसान को अपना भक्त बना लें दैट इज देयर गोल और वो कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ इसी को करना अगर इससे थोड़ा सा भी डेविएट के फेंक दूंगा एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज एंड दैट इज वाई मैं हर सेशन में बोलता हूँ कि भाई मैं भगवान नहीं हूँ जो मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया फिंग लिस्टन टू मी बट डू वॉट यू लाइक डू वॉट यू प्रेफर इफ यू के नॉट रिलेट टू मी डू नॉट फॉपी दिसम सेंगे लोगों के साथ वो दिक्कत है आप, आप खुद भी सोचो आप स्टेज पर चढ़ते हो ना आप अभी स्टेज पे खड़े हो ठीक है यार मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ स्टेज पे खड़े हो सौ लोग पांच सौ लोग सामने से बैठे हैं किसी ने आपसे कोई सवाल पूछ लिया तो आपको लगता है मैं लाइबल हूँ उसका जवाब देने के लिए कि मेरे को देना पड़ेगा चाहे आप गलत जवाब दोगे पर आप उस मूवमेंट में दो गए क्योंकि वो टीचर मूवमेंट है स्कूल में होता था ना मेरे को टीचर से एक ऐसा सवाल पूछना था जो जवाब ना दे पाए टीचर भी उस प्रेशर में आता तो कुछ तो बोलूंगा फिर आप बहस करोगे

One of the things that I, uh, i one of the advice that I got about this was ki say I don't know hmm. and then usko expand karte hue bolo ki okay I'll research on this please reach out to me on Instagram or this is my mail ID I'll get back to you tomorrow please reach out to me और uh, ये अपना question mention कर दो I'll research on it and I'll get back to you एक ये तरीका है आपको बड़ी gently बोल देना क्योंकि तुम कुछ भी answer मत ma दो ये ये gently अच्छा तरीका है but मैं तो मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहता हाँ Hmm. मैं करो नहीं पता है <laughs> तो मतलब मैं भगवान तोड़ी हूं व्हाई द फक डू यू थिंक आई वुड नो ऑल द आंसर्स आई हैव डन इनफ थिंग्स आई नो इनफ थिंग्स यू नो यू आस्क मी समथिंग व्हाट आई कैन आंसर नहीं कर सकता नहीं कर सकता सॉरी तो अब मैंने जैसे कहा मेरे को फिटनेस के बारे में बहुत पता है अलग अलग चीज़ों के बारे में बहुत पता है बट एक लिमिटेड चीज़ पता है ना उसके अंदर मुझे ये पता है कि मेरे लिए क्या सही है तुम कुछ और पूछोगे कि यार इससे ये कैसे होता है नहीं पता गॉड इट थैंक यू ठीक है आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस इट्स बिन ग्रेट कॉन्वर्सेशन मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला